नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 21 से 24 मार्च के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। 21 मार्च कुंभ राशि आपके लिए बड़ा बढ़िया और सहृदयी दिन रहेगा। प्रसन्नता पूर्वक ये दिन आपका बीतेगा। इस दिन आप अच्छे मूड में होंगे, लोगों को खुश रखेंगे और खुशियां स्प्रेड करेंगे, बांटेंगे। दूसरों की गलतियों को इस दिन इग्नोर करना, क्षमा करना आपके नेचर में रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको ये पता रहेगा कि दूसरे व्यक्ति गलती क्या है, दूसरे व्यक्ति ने क्या क्या गलतियां करी हैं और उसकी गलतियों को याद भी आप रख सकेंगे। इस दिन आप अपने मन की भावनाओं को छिपाने में बेहतर तरीके से कामयाब हो सकते हैं और बिना किसी को पता चले आप अपनी योजना पर काम करने में माहिर रहेंगे। 21 मार्च के दिन हालांकि आप थोड़ा शंकालु प्रवृत्ति के रहेंगे और साथ ही साथ एक हेजिटेशन आपके अंदर बनी रहेगी। जहां जरूरत पड़नी है आपके हस्तक्षेप की, वहां आप पीछे हट जाएंगे या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा नेचर आपका हो सकता है। लेकिन ये अर्थ इसका बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस दिन को खराब कर ले जाएंगे या आपके लिए बुरा होगा। ये दिन उत्तरोत्तर आपके लिए बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में भी अच्छा है, वैवाहिक मामलों में भी अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है, तो हर प्रकार से दिन बढ़िया रहेगा। 22 तारीख थोड़ा अलग दिन है, प्रेम संबंधों में ये दिन बढ़िया नहीं है, तो साथ साथ व्यापारिक मामलों के लिए बड़ा बढ़िया दिन है। लेकिन इस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे 20 वर्ष से ज़्यादा बड़े लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, तो सावधान रहें। और यहीं इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आप अपने से 15-20 वर्ष छोटे लोगों का फायदा उठा पाएं। तो अगर फायदा उठाना है छोटे लोगों का तो ये दिन अच्छा है, और अगर बड़े लोगों से बचना है फायदा उठाने से तो भी ये दिन संभाल कर इस्तेमाल करना है। वैसे इस दिन आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, जिसकी वजह से अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव रखेंगे और आपके समर्पण के भाव की वजह से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। 23 मार्च के दिन आप काफ़ी समस्याओं का सामना करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी विवाद का शिकार हो जाएं या ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल आगे ना बढ़ पाएं और सफलता मिलते मिलते तक रह जाए, अंतिम में आकर के चीज़ें आपके फेवर से हट जाएं। इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करने के लिए आपको चाहिए कि संयमित रहें, नियंत्रित रहें, कम बोलें, दूसरों की गलतियां बिल्कुल ना बताएं और जहां विवाद की स्थिति हो सकती है वहां झुक जाएं, विवाद को टालने का प्रयास करें। एक आर्गुमेंट को हार जाने से अगर कोई विवाद टल सकता है तो आर्गुमेंट को हार जाना ज़्यादा फायदेमंद होगा बजाय इसके कि किसी विवाद में उलझना। 24 मार्च के दिन आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव मदद लेने का प्रयास करेंगे। जिन जिन लोगों पर आपको भरोसा है उनसे तो आपको मदद मिलेगी, और जिन पर आपको भरोसा नहीं है संभावना ऐसी है कि वे भी मदद को आगे आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि 24 तारीख को अगर किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है तो आप भी हेल्प करें, हेल्पिंग नेचर बनाए रखें, और अगर बातचीत में आप अपने आप को प्रूव करने की नाहक कोशिश करते हैं तो ये फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन बातचीत में आप स्वयं को अगर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो दूसरों की सुनता भी है, समझता भी है और उसके बाद निर्णय लेता है या लेती है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। व्यापारिक मामलों के लिए 24 तारीख बढ़िया दिन रहेगा, आर्थिक मामलों के लिए भी बढ़िया दिन रहेगा। सामाजिक मामलों में ये दिन थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करने वाला है, जबकि जॉब के सेक्टर में भी इस दिन काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 22-23 अच्छी तिथियाँ नहीं हैं, ये दो के दोनों दिन। वैवाहिक जीवन व व्यापार के लिए भी ठीक नहीं है। 21 और 24 हर प्रकार से ठीक ठाक रहेंगे। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 21 से 24 मार्च के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।